लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। सूबे में शराबबंदी कानून को लागू हुए लगभग 5 वर्ष बीतने को है, लेकिन अब भी शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबर अभी पटना बाईपास से महज 500 मीटर दूर से आ रही है, जब शराब से लदे ट्रकें बरामद हुई। इन ट्रकों में करोड़ों रुपए की शराब बरामद की गई। आए दिन बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती रहती हैं। आप भी अखबार में शराब मिलने की खबर तो सुनते ही रहते होंगे, लेकिन आइए देखिए इस रिपोर्ट में कि इतनी बड़ी कारोबार कैसे पकड़ाई। पटना सिटी के बाईपास थाना से महज 500 मीटर की दूरी का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की है। गोदाम में 10 चक्का वाला 6 ट्रक और 4 चक्का वाला 3 पिकअप वाहन में छापेमारी की गई है, जहां चावल की भूसी में छिपा कर रखा गया 5000 से ऊपर अंग्रेजी शराब के कार्टून को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। वहीं मौके से चालक और मजदूर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मद्य निषेध विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह शराब कारोबार लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। ये बिहार में पहली ऐसा बड़ी खेप है, इसके पहले इतना पकड़ाया नहीं गया था। ये लगभग 3500 से 4400 पेटी होना चाहिए। अब मिला जुला के अगर 35 रहता है तो ये लगभग 35 से 40 हज़ार लीटर ये शराब हो सकता है। कल इसकी लोग जांच करेंगे। इसमें मेरे अश्वनी कुमार हैं, निशांत कुमार हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत करके, आप लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ सर्विलांस सिस्टम नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर ये बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। क्या लगता है सर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई कि नहीं? यहाँ 8 लोग कुछ हैं, जिसमें 6 लेबर हैं और एक ठो सर के को ड्राइवर है, 2 ड्राइवर, 6 लेबर और 2 ड्राइवर है, वो दोनों को पकड़। सर कहाँ से बरामदी हुई है ये शराब? तो आ रही थी ये हरियाणा को, कुछ गाड़ियाँ मिली है, लेकिन ये बरामद तो यहीं से हुआ है। सर किसकी गोडाउन बताई जा रही है? गोदाम कोई तिवारी जी हैं, उसी उन्हीं का गोदाम है। बिहार में सबसे बड़ी खेप अभी तक मानी जा रही है, आकलन क्या लगा जा रहा है, कितने मूल्य की ये शराब हो सकती है? अनुमान क्या लगा? अनुमान तो 1 करोड़ से ऊपर कम हो सकता है। कितना मूल्य होगा? 2 करोड़ के आसपास, जैसा कि इंस्पेक्टर साहब बताए। हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव बिहार को। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।